हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं IIFL सिक्योरिटीज की। 338 रुपये पे आज यहाँ पर इसका प्राइस पहुंच गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जब से आपके साथ ये शेयर यहाँ पर बताया, एज वेल एज अपने कुछ क्लाइंट्स को बताया, तब से इस शेयर ने 236% के रिटर्न दे दिए, और ज़्यादा टाइम इसने लिया भी नहीं है, लगभग लगभग 10-11 महीने लेता हुआ नजर आया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाओगे हमारे चैनल पे और यहाँ पर डालेंगे IIFL, तो यहाँ पर पता चल जाएगी। एक बार न्यूज आई थी, ठीक है, 180 रुपये का शेयर मिल रहा है 100 रुपये में, है ना। तो 100 रुपये पे ये शेयर बताया था, 100 से 338, और कब? 5 महीने पहले। ठीक है, इससे पहले भी आप देखेंगे IIFL सिक्योरिटी की तरफ से सरप्राइज न्यू ईयर गिफ्ट, है ना। तो 1 साल पहले भी यहाँ पर हमने न्यू ईयर पे ये वीडियो बनाई थी। तो इस IIFL से रिलेटेड मैंने यहाँ पर बातें काफी बार करी है, और आपने उसका रिजल्ट भी देखा है कि शेयर लगभग लगभग 236% के रिटर्न, है ना, जब से हमने यहाँ पर बताया है लगभग 100 रुपये के आसपास, तब तक ये देता हुआ नजर आया। तो अभी क्या लगातार और तेजी होती हुई नजर आएगी, उससे लेकर हम बातें कर लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जानेंगे फाइनेंशियल फंडामेंटल सब चीज, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना, चीजों को सीखने में फोकस करना है। सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ जाके वीडियोज देखिए, वीडियोज में आपको क्रीम मिलती हुई नजर आएगी। कोई नहीं बताता, कोई नहीं सिखाता, यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलेगा, और असलियत में अच्छे से, ज्यादा अच्छे तरीके से सीखना है तो यहाँ पर देखिए, बेसिक्स टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कोर्स है। यहाँ पर टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, कौन सा शेयर लेना है, कौन सा शेयर बेचना है, वो सब चीज से रिलेटेड बातें की जाती है। 25,000 रुपये का कोर्स है, आज टीचर्स डे है तो उसके उपलक्ष्य में 10% ऑफ है, तो लगभग 22,500 का कोर्स है, और 1 जनवरी 2025 से ये कोर्स की कीमत 50,000 होने वाली है। तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं। 8165405018169263 7, दोनों नंबर को क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, IIFL सिक्योरिटीज की बात करें तो कंपनी करती क्या है, कंपनी वही करती है ब्रोकिंग से रिलेटेड काम है इनका। बीच में न्यूज आई थी सोने की, इनके गोल्ड बिजनेस में कुछ इशू हो गया है, ठीक है, तब ये शेयर लगातार गिरता हुआ नजर आया था, और उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि उनके इस बिजनेस में प्रॉब्लम है, इस बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और ये शेयर जब यहाँ पर 173 के बाद लगभग लगभग 100 रुपये पे आया, तो मैंने कहा था अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, और तब से इस शेयर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और तब से केवल और केवल ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अच्छे शेयर की पहचान होती है, ठीक है। 10,438 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ, दो चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हमारी एक्सपर्टीज इसमें, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। दूसरा, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो याद रखिएगा कि जब स्मॉल कैप भागते हैं तो अच्छा लगता है, जब गिरते हैं ना तो वही 70% की वेल्थ इसने ले ली थी, लगभग लगभग आप देखोगे तो 60% 50% ये शेयर गिरता हुआ नजर आया था, ठीक है ना। तो 16 का पी है, इंडस्ट्री का पी भी 16.8 है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ना महंगा है ना सस्ता है, ठीक है। ROC ROE की बात करें, काफी अच्छा नजर आता है, डेट फ्री लगभग 65% के आसपास का डेट है, जो कि आपको देखना नहीं है, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं मार्जिन से रिलेटेड यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। 2 की फेस वैल्यू है, 89% का यहाँ पर बात करें डिविडेंड यील्ड ये देती हुई नजर आती है, ठीक है। बुक वैल्यू से अब ऊपर चला गया है, थोड़ा सा महंगा, शायद आगे चल के महंगा होता हुआ नजर आएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, काफी अच्छा यहाँ पर चार्ट पैटर्न नजर आता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से लेकिन हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर, कंपनी 2 क्वार्टर से अच्छा काम कर रही है, कंपनी अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन दिखा रही है, कंपनी यहाँ पर 337 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 180 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है। तो हाईएस्ट एवर ये कंपनी के नेट प्रॉफिट है। इसके अलावा सेल्स, कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, कंपनी का मार्जिन लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है, तो ये क्या चीज है, ये सारी की सारी चीजें अच्छी यहाँ पर नजर आती है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, फॉरेन साफ में बढ़ती हुई नजर आ रही है, 159 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें, 4,400 करोड़ के आसपास का कैश है, तो सब कुछ यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। प्रमोटर्स की बात करें, 30.88%, FIIs लगभग 17.51%, तो FIIs लगातार यहाँ पर बढ़ा रहे हिस्सेदारी, BIIs 3.18%, पब्लिक की बात करें 48%, तो ये सब कुछ क्या दिखाई देता है, ये सब चीज दिखाई देती है कि ये चीजें यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ये चीजें अच्छी नजर आती है। अभी क्या नजर आता है, अभी नजर आता है कि कंपनी 1 क्वार्टर और अच्छा करेगी, ठीक है, शायद एक क्या एक की जगह 2-3 क्वार्टर और अच्छा करेगी, और जब कंपनी और अच्छा करेगी तो शेयर प्राइस का यहाँ पर रहने वाला है बिल्कुल भी नहीं। तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे चार्ट से लेके,
बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल पर नोटिफिकेशन कौन करे। बाय एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को की स्टडी करनी है, चीजों को सीखने पे फोकस करना है, और सीखने के लिए क्या करना है, सीखने के लिए कुछ नहीं करना, सीखने के लिए सिंपल आपको हमारे यहाँ पर वीडियोस देखनी है, और साथ में इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके आप हमसे यहाँ पर सीख भी सकते हैं। 10% का डिस्काउंट भी है और 1 तारीख से फीस बढ़ने वाली है। साथ में काम करना है तो भी यहाँ पर नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शेयर लगातार अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है, ठीक है, और जब इतनी तेज भाग चुका है तो क्या अभी यहाँ पर लेना अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं होता, रिटर्न बनाने के चक्कर में आप फंस ना जाओ, तो इसलिए यहाँ पर अभी बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। और हम अपना हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी के बेस पे ही यहाँ पर कुछ भी करना है, जो भी करना है, ठीक है, थोड़ी सी शांत हो जाए, लगभग 300 के आसपास आ जाए, और सबसे अच्छा होगा कि शेयर अगर यहाँ पर 250 के आसपास या 260 270 के आसपास आता है तो और ज्यादा रिलायबल हो जाए। मुझे लगता है कि जब चीजें इस तरीके से भागती है ना तो वो गिरती भी है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर गिरी थी, इससे पहले यहाँ पर गिरी थी, ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पर भी गिर सकती है। तो जब गिर जाए, थोड़ा सा रुक जाए, थम जाए, ठीक है, तब यहाँ पर आप लोगे तो आपका पैसे बनते हुए नजर आएंगे, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर लोगे और तब पैसे बनने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, और यहाँ पर जब आ जाएगी तो आपका रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सही टाइम पे अटेम्प्ट करना है, जब सही टाइम पे अटेम्प्ट करोगे तो पैसे बनते हुए नजर आएंगे। और सही टाइम क्या था? जब हमने यहाँ पर बताया था, सही टाइम क्या था? जब यहाँ पर गिरावट हुई थी तब बताया था। तो सही टाइम पे अटेम्प्ट करना है, हमेशा अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए। बैंक सेलिंग की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पे फोकस करना है, जितना सीखोगे उतना पैसा बनाते हुए नजर आओगे, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर